हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोनाउन के कॉमन एरर के सीरीज में। प्रस्तुत है लेसन नंबर 19। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उदय शंकर सोनी आपके साथ प्रोनाउन के कॉमन एरर का क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। ही सेज इट इज़ हिज प्रॉब्लम्स बट यू से इट इज़ योर ऑल्सो। ध्यान देने वाली बात यह है कि योर एक ऐसा प्रोनाउन है जो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, अर्थात इसके बाद नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि नाउन नहीं लिख सकते इसके बाद तो योर के जगह योर्स का उपयोग करना चाहिए। एरर है पार्ट डी में। क्वेश्चन नंबर 62। द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर दैन पटना। अच्छे से आप यदि अर्थ समझेंगे तो पता चलेगा कोलकाता के होटल्स पटना से ज़्यादा सस्ते हैं। आप सोचिए, कोलकाता के होटल्स पटना से ज़्यादा सस्ते हैं या पटना के होटल्स से? तो सही तो ये तो गलत है कि पटना नहीं होना चाहिए। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो होगा द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर दैन द होटल्स ऑफ पटना, यही होना चाहिए। तो द होटल्स ऑफ पटना में द होटल्स रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके जगह दोज ऑफ पटना कर देंगे तो सही हो जाएगा। एरर है पार्ट डी में। क्वेश्चन नंबर 63। ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज़ गिवन देयर कंसेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि देयर कंसेंट के जगह हिज कंसेंट का उपयोग होगा, क्योंकि यहाँ ईच मेंबर एंड ईच वर्कर सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 64। वीना इज थिनर देन आइदर अदर फोर सिस्टर्स। यहाँ फोर सिस्टर्स की बात हो रही है, इसलिए आइदर का उपयोग गलत है। आइदर अदर पूरा हटा के लिखेंगे, एनी ऑफ द फोर सिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 65। द कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड आर स्मार्ट यंग एंड एम्बिशियस। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा है कि यदि कॉमन एरर में हु या हुम मिल जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब को गिनना शुरू करें, और हु रहे तो हु को भी सब्जेक्ट के रूप में ही गिनें। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है द कैंडिडेट्स, दूसरा सब्जेक्ट है हु, तीसरा सब्जेक्ट है वी, यानी सब्जेक्ट्स की कुल संख्या 3 हो गई। अब जरा वर्ब को गिनें। हमारा पहला वर्ब हैव सिलेक्टेड और दूसरा वर्ब है आर, यानी सब्जेक्ट की संख्या 3 और वर्ब की संख्या 2, सब्जेक्ट ज़्यादा हो गया। और यदि सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में हु का उपयोग गलत माना जाता है, उसके जगह हुम का उपयोग सही माना जाता है। एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 66। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू। देखिए, दैट यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद प्लूरल वर्ब का उपयोग किया गया है, जो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसके लिए एंटीसीडेंट सजेशंस एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इस वाक्य में कहीं भी कोई एरर नहीं है। आंसर होगा नो एरर, पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 67। श्वेता बाउट ब्यूटीफुल पेन एंड गेव द सेम टू हर सिस्टर। मैंने बताया था कि द सेम एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो अकेले बिना नाउन के यूज़ नहीं किया जा सकता है, और सामान्यतः द सेम जिस नाउन के लिए यूज़ किया जाए तो द सेम के बदले उस नाउन के हिसाब से एक प्रोनाउन का यूज़ कर देना चाहिए। यहाँ ये ब्यूटीफुल पेन एक नाउन है जिसके लिए द सेम का उपयोग किया गया है। तो कोशिश करना है कि यहाँ पर द सेम हटा करके इस नाउन के हिसाब से इट का यूज़ कर दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर है पार्ट सी में। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेसन का, क्वेश्चन नंबर 68। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। यहाँ दिस के जगह इट का उपयोग होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यह दिस आया है बुक के लिए, और यदि किसी नाउन का चर्चा पहले आ गया हो तो उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए एरर माना जाएगा डी में। दोस्तों, ये था आज का हमारा कॉमन एरर का सीरीज। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हुआ होगा, और अगर आपके लिए यूज़फुल हुआ है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज सोनीस ट्यूटोरियल क्लासेस को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सोनीस ट्यूटोरियल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशंस इस तरह के वीडियोस के सही समय पर आपको मिलें इसके लिए बेल आइकन को टच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के वीडियोस अनअकैडमी पर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के सर्च बार में लिखें उदय शंकर सोनी, मेरे सारे कोर्सेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, और उन कोर्सेज में जाइए, उन्हें सुनिए, देखिए, और आपको लगता है यूज़फुल है तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट्स और मटेरियल वहाँ भी आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।